गाइस ये हमारे कोर्स की 8th वीडियो है, और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस ज़रूर कर लें और यहाँ जाके बुक मार्क कर लेना इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ये हमारे कोर्स की 8th वीडियो है। सो इस वीडियो में हम जनरल कमांड सीखेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट कमांड होगी सिस्टम टाइम। सिस्टम कितने टाइम से आप है, हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइम से आप है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कमांड आती है अप टाइम। तो हम लगाएंगे अप टाइम, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा शो करता है टाइम वगैरह। तो टाइम भी शो कर रहा है, साथ में मिनट भी शो कर रहा है, कितने यूजर्स इसमें यूजर्स हैं वो भी शो कर रहा है, लोड एवरेज कितना है आपका वो भी शो कर रहा है। तो पहली कमांड थी हमारी अप टाइम। तो हमारी जो सेकेंड कमांड है वो है यू नेम, और उसका जो साथ में फ्लैग इस्तेमाल होगा -SRV। वो क्या शो करता है, वो शो करता है वो शो करता है ऑपरेटर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम और रिलीज वर्जन शो करता है। तो चलिए देखते हैं, यू नेम एंड फ्लैग लगा देंगे हम SRV एंड इंटर कर देंगे। तो हमारा क्या शो करा है, इसने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नेम शो किया, क्या है वो लिनक्स है। उसके बाद जो शो किया है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीजिंग वर्जन शो किया, वो कब रिलीज हुआ। उसके बाद जो शो किया है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन शो किया। तो ये चीज़ें तीन चीज़ें शो करता है, यू नेम और फ्लैग SRV जो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक कमांड आती है मेन कमांड। मेन कमांड का क्या काम है, प्रोवाइड करता है हमें डिटेल्स, प्रोवाइड करता है किसी भी कमांड्स की डिटेल प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कमांड आती है ls, हम चाहते हैं कि ls कमांड हमें नहीं पता क्या काम करती है, तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं क्या है। तो उसके लिए क्या करके हम मेन लिखेंगे, उसके आगे ls लगा देंगे और इंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये क्या है, ls का काम क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी कॉन्टेक्ट। क्या करता है, डायरेक्टरी कंटेंट का जो क्या करता है, लिस्ट प्रोवाइड करता है, लिस्ट शो करता है, और यही काम है इसका। और इसके जो जितने भी फ्लैग्स है वो भी आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, उस सब की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। आप कोई भी कमांड का डिटेल्स अगर क्या आप पढ़ना चाहते हैं तो मेन कमांड से आप पढ़ सकते हैं। तो हमें क्विट करने के लिए क्यू प्रेस करना पड़ेगा और क्विट हो जाएंगे। हमारी जो फोर्थ कमांड है वो है होस्ट नेम। सिस्टम का होस्ट नेम पता करने के लिए हम क्या कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं, होस्ट नेम, और साथ में एक फ्लैग आएगा -i। -i क्या कर देगा, आईपी एड्रेस साथ में मालूम करेगा। तो देखते हैं हम होस्ट नेम, और सबसे पहले होस्ट नेम देख लेते सिंपल, ये हमारा होस्ट नेम है डेस्कटॉप, ये फोर्थ MI 7 जनरेशन। तो ये हमारा होस्ट नेम आ गया। उसके बाद हम होस्ट नेम के साथ आईपी एड्रेस भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्लैग लगाएंगे -i का। तो आप एरो से वापस मैंने अपनी प्रीवियस कमांड लाई और -i लगा दिया, इंटर कर दिया, तो ये हमारा आईपी एड्रेस भी साथ में शो हो गया। फिफ्थ कमांड आती है डेट। अगर कि सिस्टम में जो करंट डेट हमने मालूम करना है तो उसके लिए कमांड आती है डेट। डेट क्या शो करता है, करंट डेट और टाइम दोनों शो कर लेता है। क्या है डेट, आज Monday August 15, और जो टाइम है वो भी टेस्ट शो कर दिया है। उसके बाद आती है अगर कि हमें अपना पूरा कैलेंडर शो करना हो, हमें पूरा कैलेंडर हमें शो करना हो, उसके लिए कमांड आती है CL। CL हम प्रेस करेंगे तो हमें पूरा कैलेंडर हमारा शो हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक कमांड थी। उसके बाद लास्ट एक कमांड है जो उसको हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे PC के अंदर कौन ऑनलाइन है अभी तक, हु इज ऑनलाइन करेंटली। तो उसके लिए एक कमांड आती है W। W जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें यूज़र TTI फ्रॉम। तो ये एक यूज़र अभी अभी कोई भी यूज़र हमारे यहाँ पे बल्कि ऑनलाइन नहीं है। और यूज़र कितने टाइप से आप था, 8 मिनट से ये आप है, मतलब ये मतलब जब से मैंने ये ओपन किया यूज़र, मतलब मेरा PC ओपन किया हुआ ये सही है लिनक्स का, तो ये 8 मिनट से ओपन है। तो ये हमें टाइम शो करता है अप टाइम, इसको हम अप टाइम से भी पता कर सकते हैं, अप टाइम से भी हमें पता कर सकते हैं यूज़र कितने मिनट से ऑनलाइन है। अभी देखिए पहले 8 मिनट था, अब कितना हो गया, 9 मिनट हो गया, तो 1 मिनट ऊपर हो गया होगा तो ये 9 मिनट आ गया। तो ये थी बेसिक कमांड्स, थी ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।